हम लोगों ने जो अभी तक टैक्सेशन में देखा था कि फाइव हेड्स ऑफ इनकम ऐड कर लो प्लस क्लबिंग ऑफ इनकम ऐड कर लो माइनस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का एडजस्टमेंट ले लो, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। यही तो था, बोलते क्यों नहीं? माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 चैप्टर 6 से, ये आ जाता है हमारा टैक्सेबल इनकम। पक्की बात है, इस टैक्सेबल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट कर लो। टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। पक्की बात, इसमें इंटरेस्ट पेनाल्टी ऐड कर दो, टोटल अमाउंट पेबल आ जाएगा। माइनस कर दो टैक्स पे, चाहे वो टीडीएस हो, टीसीएस हो, सेल्फ असेसमेंट हो, नेट टैक्स अमाउंट आ जाएगा या नेट अमाउंट पेबल आ जाएगा, नेट अमाउंट लायबिलिटी आ जाएगी विच इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। क्लियर? इन सबको करने के बाद, जितना टैक्स मैंने पे किया पे करने के बाद, गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैं खुद रिटर्न दाखिल करूंगा। मैं क्या करूंगा? रिटर्न दाखिल करूंगा। गवर्नमेंट को सपना नहीं आने जा रहा कि इस बंदे ने इतना टैक्स पे किया, इसको इतना टैक्स पे करना चाहिए था। गवर्नमेंट का पहला फंडा होता है एसएससी इज द ऑनेस्ट पर्सन। एसएससी क्या है? चोर नहीं है, ईमानदार है, और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनकम से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड हमको फर्निश करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और इसके लिए उन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बनाए हुए हैं। ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एसएससीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। अब एसएससी का क्या काम है? एसएससी का काम है कि वो इस विश्वास को कायम रखे जो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर किया है कि तुम दर ईमानदार इंसान हो। आप खुद अपनी इनकम का कैलकुलेशन कर लें, आप खुद अपनी टैक्स लायबिलिटी निकाल लें और टैक्स का पेमेंट कर दें। कहाँ पे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। कहाँ पे? गलत बात। कोई भी टैक्स या रेवेन्यू का पेमेंट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में नहीं होता, बैंक के थ्रू होता है। आपको ये टैक्स का अमाउंट कहाँ पे करना पड़ता है? बैंक में पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट के नाम से जमा करना पड़ता है, इनकम टैक्स के नाम से चला जाएगा। आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, बैंक के थ्रू पेमेंट होगा। ये नहीं कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चले जाएं, ये लो लो 100 रुपया रसीद दे दो ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कभी भी रसीद देने और लेने का काम नहीं करेंगे कैश का। आपको जो कोई भी अमाउंट रिसीव करना है, पेमेंट करना है, ऑल दीज ट्रांजेक्शन मस्ट बी पास थ्रू द बैंक अकाउंट। ठीक है ना? तो आपने टैक्स पे कर दिया, सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास तो कुछ डेटा है ही नहीं, फिजिकल देखो तो डेटा है ही नहीं। आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो कोई डेटा दिया ही नहीं, आपने खुद अपनी इनकम का कैलकुलेशन किया कर लिया, टैक्स लायबिलिटी का खुद कैलकुलेशन किया कर लिया, जितना टैक्स निकला आपके हिसाब से आपने बैंक में जमा कर दिया कर दिया। डिपार्टमेंट का क्या रोल है? आपको पर्टिकुलर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न पिक करनी है, उसमें अपनी सारी डिटेल्स सबमिट करनी है और उस इनकम टैक्स रिटर्न को डिपार्टमेंट में जमा करना है कि मेरी ये इनकम, ये इनकम, ये इनकम ये है, क्लबिंग ये है, डिडक्शन मैंने ये मांगी है, डिडक्शन ये हो गया, टैक्स लायबिलिटी मेरी इतनी निकलेगी, इंटरेस्ट पेनाल्टी मेरे हिसाब से इतनी है, इतना टैक्स का अमाउंट हम पे कर चुके हैं, उसकी रसीद ये है।
और इतना बचा है या निल हो गया, आपने डिपार्टमेंट में जमा कर दिया, डिपार्टमेंट वाला देखेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम स्टार्ट होता है, क्या काम स्टार्ट होता है, किसका, आपने जो किया उसको हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। क्या नाम देते हैं, सेल्फ असेसमेंट। और सेल्फ असेसमेंट के लिए अगर मैं कहूं पूरा बकायदा एक लिस्ट बना हुआ है आपको क्या काम करना है, तो ज़्यादा बताने की हमको ज़रूरत तो नहीं है, आपको इतना ही समझ में आना चाहिए कि असेसमेंट होता कैसे। ये डिटेल्स दी हुई सेल्फ असेसमेंट जो मैंने पूरी कहानी की, और इसके लिए जो सेक्शन बनाया गया दैट इज सेक्शन 140 कैपिटल, सेक्शन 140 कैपिटल ए, दिस इज योर सेल्फ असेसमेंट। आप खुद असेसमेंट करो, आप अपना असेसमेंट खुद करो, दिस इज नोन एज सेल्फ असेसमेंट। प्रोसीजर समझ में आया, प्रोसीजर समझ में आया, मैं पढ़ दूं अब इसको, बोलो, जरूरत नहीं है बता देता हूं, जो दिया है उसको डिक्टेट कर देते। सेल्फ असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, नोट करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट इज अ सिंपली अ प्रोसेस वेयर अ पर्सन हिमसेल्फ असेस हिज टैक्स लायबिलिटी। एक बंदा खुद अपनी टैक्स लायबिलिटी को असेस करेगा, एक पर्सन खुद अपनी टैक्स लायबिलिटी को क्या करेगा, एसेस कर रहा है। ऑन द इनकम अर्न ड्यूरिंग द पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर एंड सबमिट्स इनकम टैक्स रिटर्न टू द डिपार्टमेंट। वही तो मैंने बोला, खुद कैलकुलेट करके, अपनी जेब में पर्ची नहीं रखनी है, खुद कैलकुलेट करके उसका डिटेल हमको बताना है डिपार्टमेंट को, और उसके लिए हमको एक रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी, जिसको हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न या रिटर्न ऑफ इनकम, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। शैल मेक सेल्फ असेसमेंट ऑफ हिज इनकम एंड पे द टैक्स इफ ड्यू ऑन द बेसिस ऑफ सच असेसमेंट। द टोटल टैक्स पेबल इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग, टोटल टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, माइनस टीडीएस, माइनस टीसीएस, फलाना एंड डिमाका, जो बताया वो सारी चीजें। दैट्स इट, द सेक्शन इज ओवर। कोई दिक्कत थी क्या इसमें, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, नहीं। सिंपली मैंने क्या किया, मैंने अपने पांचों हेड्स, क्लबिंग, डिडक्शन सब कैलकुलेट कर ली, टैक्स लायबिलिटी खुद कैलकुलेट की, टैक्स लायबिलिटी आगे इंटरेस्ट और पेनाल्टी ऐड कर दिया, माइनस कर दिया जितना भी मैंने टीडीएस टीसीएस वगैरह का सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो पेमेंट किया है उसको माइनस कर दिया, भाई बता दिया कि मेरा जीरो आया, पैसा डिपार्टमेंट से लेना है या और उल्टा डिपार्टमेंट को देना है। टैक्स लायबिलिटी नेट आती है, या तो हमको देना है, या तो उल्टा हमने ज़्यादा दे दिया है लेना है, या तो जीरो टैक्स लायबिलिटी। आप रिटर्न तो दाखिल करोगे ना, नहीं करोगे। यहाँ तक काम एसएससी का था, लेकिन अब आगे का काम बेटा किसका है, किसका है आगे का काम, डिपार्टमेंट का। आपने रिटर्न तो दाखिल कर दिया, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आपने रिटर्न तो दाखिल कर दी, आपने रिटर्न, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने आपकी रिटर्न पड़ी हुई है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर काम करना स्टार्ट करेगा, और उसी को कहते हैं डिपार्टमेंटल असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट नहीं, डिपार्टमेंटल असेसमेंट। और डिपार्टमेंट जो होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अलग अलग असेसमेंट कर सकता है। सबसे पहला असेसमेंट वो करता है, ढंग से सुनना, सेक्शन 143(3) में स्क्रूटनी असेसमेंट करता है। क्या करता है, स्क्रूटनी असेसमेंट। और इस स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए जो नोटिस देता है वो देता है अंडर सेक्शन 143(2) में। अरे भैया नोटिस दोगे तब तो असेसमेंट करोगे, बिना नोटिस के असेसमेंट कर लोगे
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिना नोटिस दिए असेसमेंट करेगा क्या मेरे ऊपर? नहीं ना, पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमको नोटिस देगा, क्यों बेटा तेरे ऊपर असेसमेंट क्यों ना कर दिया जाए, तो मैं उसको अपना जवाब दूंगा। अगर वो जवाब से सेटिस्फाई होगा तो ठीक, नहीं होगा तो असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। चल, दूसरा एक असेसमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर सकता है, दैट इज सेक्शन 144, और इसको हम कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट या एक्स पार्टी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट या एक्स पार्टी असेसमेंट, एक पक्षीय कर निर्धारण, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। और इसके लिए भी बिना नोटिस इश्यू किए हुए काम नहीं बनता ना, बोलो इसके लिए भी नोटिस किस सेक्शन में इश्यू होगा? नोटिस 144 में इश्यू होगा और असेसमेंट 144 में ही होगा। नोटिस 132 में इश्यू होगा, सेक्शन 132 में इश्यू होगा और असेसमेंट 143(3) में होगा। इनकम स्केपिंग असेसमेंट, आपने ना चालाकी की, गवर्नमेंट ने हमको ईमानदार माना लेकिन मैं निकला क्या, दर बेईमान। हाँ, अब क्या बोलो, मैंने आधी इनकम शो की और आधी इनकम शो नहीं की, तो इनकम स्केपिंग असेसमेंट। और इसके लिए जो नोटिस इश्यू होता है, क्लियर है? देखो ना, थोड़ा अजीब लग रहा है, पहले नोटिस इश्यू होता है बाद में असेसमेंट होता है, नोटिस इश्यू हुआ और उसी सेक्शन में असेसमेंट भी हो गया, यहां तक तो अच्छा लगा लेकिन यहां उल्टी गंगा बह रही है, पहले सेक्शन में असेसमेंट हो रहा है उसके बाद वाले सेक्शन में नोटिस की बात कर रहे हैं, जबकि होना ये पहले चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसा प्रोसीजर दिया है सेक्शन 148 में नोटिस इश्यू होगा और सेक्शन 147 में इनकम स्केपिंग असेसमेंट होगा। क्लियर हुआ? बोलो भाई, आगे चल सकते हैं। लेकिन ये सारा असेसमेंट करने से पहले, हटा रहे हैं इसको, ये असेसमेंट्स हैं, ये डिपार्टमेंटल असेसमेंट है, इसके अलावा भी एक असेसमेंट है सेक्शन 153 है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। ये सारे असेसमेंट्स हैं, एक बात बताओ, तुम डिपार्टमेंट हो, मैं एसएससी हूं, तुम लोगों को मैंने, डिपार्टमेंट को मैंने अपनी क्या दे दी, रिटर्न दे दी। अब या तो मैं रिटर्न दूंगा या तो मैंने इनकम कमाई और मैंने रिटर्न नहीं दी, दो चीजें होंगी, या तो मैं रिटर्न जमा कर दूंगा और मैं बताऊंगा ये मेरी इनकम, ये मेरा खर्चा फलाना और डिबाका और ये मेरी टोटल इनकम या ये टोटल मेरा लॉस, ये मेरी टैक्स लायबिलिटी, ये मुझे देना है टैक्स, ये मुझे लेना है टैक्स वापस, कुछ भी हो सकता है, इसको हम कहते हैं रिटर्न दाखिल करना और सेल्फ असेसमेंट पर मैंने रिटर्न दाखिल कर दी। या हो सकता है कि मैंने रिटर्न दाखिल ही ना की हो, नहीं हो सकता, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सफिशियंट प्रूफ्स हैं कि मेरी इनकम टैक्सेबल है और इस बंदे ने रिटर्न दाखिल नहीं की, तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंक्वायरी करता है, इंक्वायरी मतलब पूछताछ, जांच पड़ता किसके पहले, असेसमेंट के पहले, जिसको हम कहेंगे इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, यानी असेसमेंट करने से पहले जांच पड़ताल कर ली जाए, उसके बाद हम असेसमेंट पर आएंगे, सेक्शन 143(3), सेक्शन 144, सेक्शन 147, लेकिन इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट का जो सेक्शन है सेक्शन 142(1), और ये दो पार्ट में तोड़ा गया है, कितने पार्ट में, सेक्शन 142(1)(1), सेक्शन 142(1)(2), और दोनों का बिल्कुल अलग अलग यूज है, और बिल्कुल दोनों का अलग अलग यूज है। सेक्शन 142(1)(1) कहता है कुछ और, सेक्शन 142(1)(2) कहता है कुछ और।
ये आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करता है कि आपने रिटर्न दाखिल की, आपने रिटर्न दाखिल की जिस बेसिस पर की है ना वो डॉक्यूमेंट्स ले आओ, जिस बेसिस पर की है ना वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेरे पास ले आओ। यानी ये सेक्शन मांगता है आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट्स जिस बेसिस पर आपने रिटर्न अपनी दाखिल की, ताकि हमें सेटिस्फैक्शन मिल सके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेटिस्फैक्शन मिल सके कि आपने जो भी कुछ किया है वो जेन्युइन है या नहीं। लेकिन ये सेक्शन कहता है कि आपको रिटर्न दाखिल करनी चाहिए थी, क्यों नहीं की? मुझे लगता है कि आपको रिटर्न दाखिल की जानी चाहिए थी, रिटर्न दाखिल करनी चाहिए थी आपको, आपने दाखिल नहीं की, ले आओ रिटर्न, बिल्कुल अलग सेक्शन है। और ये कहता है आपने रिटर्न दाखिल की, जिस बेसिस पर की है वो बुक्स ऑफ अकाउंट ले आओ। देखो ना, दो डिफरेंट सेक्शन है, अब क्लियर है? और दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग है। अब मैं पढ़ूं, यानी अगर किसी एसएससी को, अब तुम लोग अगर जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे और किसी एसएससी के पास नोटिस आता है, सर्व होता है डिपार्टमेंट से, तो सबसे पहले ये देखो कि किस सेक्शन में नोटिस इशू हुआ है। सेक्शन 142(1)(1) में, इसका मतलब एसएससी ने रिटर्न दाखिल ही नहीं की थी इसीलिए उससे मांगा गया। अगर नोटिस आता है उसके पास सेक्शन 142(1)(2) में, तो इसका मतलब उसने रिटर्न दाखिल की थी, उससे बुक्स ऑफ अकाउंट, चलो रिटर्न नहीं भी दाखिल की थी उसे बुक्स ऑफ अकाउंट या डिटेल्स मांगी गई हैं, उसे रिटर्न दाखिल करने के लिए बात नहीं कही गई है, उसे क्या बोला गया है, बुक्स ऑफ अकाउंट ले और डिटेल दिखाओ अपनी इनकम की, बस। सेक्शन 143 में, किस सेक्शन में नोटिस इश्यू होती है? 143(3) में, 143(2) में नोटिस इश्यू होती है, बोलो। और 144 में असेसमेंट होने के लिए, 144 में नोटिस इशू होती है। 147 में असेसमेंट होने के लिए, सेक्शन 148 में नोटिस इशू होगी। तो ये देखो किस सेक्शन में नोटिस इशू हुई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे चाहता क्या है, कौन सा असेसमेंट करना चाहता है, क्लियर है? अब मैं सेक्शन 142(1)(1) को बोलूंगा, जरा ढंग से सुनना। इफ द एसएससी हैज नॉट फर्निश्ड, ये कब लगता है, जब इसको मैं फेल कर गया, मुझे नोटिस रिटर्न दाखिल करनी चाहिए थी, मैंने रिटर्न दाखिल नहीं की, मुझे रिटर्न दाखिल करनी चाहिए थी, मैंने रिटर्न दाखिल नहीं की, इधर आ जाओ। इफ द एसएससी हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड, टाइम प्रिस्क्राइब्ड हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास में अंडर सेक्शन 139(1), देन द एओ में इश्यू अ नोटिस रिगार्डिंग, या रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस। अब अगर आपने रिटर्न दाखिल ही नहीं की है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मालूम है कि आपकी इनकम एसेसिबल है या उसे लगता है कि आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट के दायरे में आती है, तो वो आपसे बोलेगा नोटिस इशू करके, किस सेक्शन में नोटिस इशू करके बोलेगा, सेक्शन 142(1)(1) में, कि भैया आप अपनी रिटर्न दाखिल करो इस टाइम लिमिट के अंदर जो इस नोटिस में दी गई है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के अंदर नोटिस जिस दिन मिलेगी उसके 25 दिन, 20 दिन, 15 दिन के अंदर आप अपनी रिटर्न दाखिल करो। हाँ है ना, बोलो। लेकिन ये सेक्शन तभी पॉसिबल है जब आपको जो नॉर्मल टाइम लिमिट दी गई थी रिटर्न दाखिल करने के लिए वो लिमिट खत्म हो चुकी है। अगर मैंने आपको 6 महीना दिया हुआ है, इफ़ यू हैव बीन प्रोवाइडेड 6 मंथ आफ्टर द एंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर टू फर्निश अ रिटर्न, आपको एक समय दिया गया है 6 महीने के अंदर आप अपने रिटर्न दाखिल कर लीजिए, और 6 महीने बीत गए आपने रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो ये अधिकार मिल जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आपको रिटर्न दाखिल करनी चाहिए थी, आपने रिटर्न दाखिल नहीं की, ठीक है ना? यानी टाइम लिमिट बीत जाए और आपने रिटर्न दाखिल नहीं की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो आपके ऊपर सेक्शन 142(1)(1) का नोटिस इश्यू करके आपसे रिटर्न जमा करने के लिए बोल सकता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो भाई, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेक्शन 142(1)(2) दैट इज ओवर, खत्म। सेक्शन 142(1)(2) ये आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट की डिमांड करता है, डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है, कि आप वो डॉक्यूमेंट डिटेल्स हमको फर्निश करें। एवन आपसे आपकी पर्सनल एसेट और लाइबिलिटीज की भी डिमांड कर सकता है। इस सेक्शन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर है, चाहे आपने रिटर्न दाखिल की
सेल्फ असेसमेंट किया या नहीं किया। बात समझ रहा? इसमें भी डिपार्टमेंट आपसे क्या मांग रहा है, रिटर्न दाखिल करो। तो आप रिटर्न किस बेसिस पर दाखिल करोगे? खुद ही तो करोगे, लेकिन यहाँ प्रेशर बनाया गया, आपको मजबूर किया गया, रिटर्न दाखिल करो। आपको टाइम दिया गया था, आपने टाइम लिमिट के अंदर रिटर्न दाखिल नहीं की। यहाँ भी आपको कहा गया कि ये लो नोटिस, अब बेटा जरा रिटर्न दाखिल करो, और वो खुद करो, हम नहीं दाखिल करने आएंगे, आप खुद करो। क्लियर है? अब यहाँ तो तुम रिटर्न दाखिल कर लोगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया, उसके बाद रिटर्न या तो दाखिल कर दोगे या दाखिल नहीं करोगे। अगर इतने डंडे पड़े और आपने रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक पावर मिल जाता है कि वो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सके। नाम ही है उसका, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। देखेंगे, अभी आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा। यहां तक क्लियर हुआ? इसकी बात करते हैं। इसमें आपसे वो डिमांड कर सकता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रोड्यूस करें, वो चीजें दिखाएं जिनके बेसिस पर आपने रिटर्न दाखिल की हैं, और वो भी रिटर्न में यहां पर नोटिस के हिसाब से आप हमारे पास वो बुक्स ऑफ अकाउंट और वो डिटेल्स भी सबमिट करें जो आपके रिटर्न्स में नहीं है। आप अपनी पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज को भी हमें दिखाइए। आपके पास कितनी ज्वेलरी है जरा बताइए ना, ये भी बोल सकता है। लेकिन ऐसा ये तभी बोल सकता है पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में जब चीफ कमिश्नर और कमिश्नर से असेसिंग ऑफिसर ने परमिशन ली हो। पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में आपसे कोई ऐसे नहीं मांग सकता डिटेल जब तक कि असेसिंग ऑफिसर ने पहले परमिशन ले ली हो। किससे? चीफ कमिश्नर है और कमिश्नर से, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से। क्लियर है? नगर आयुक्त के पास न चले जाना, सिटी मजिस्ट्रेट या सिटी कमिश्नरेट के पास मत चले जाना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कमिश्नरेट की बात हो रही है, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की बात हो रही है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की बात हो रही है। चलो, द असेसिंग ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन असेसमेंट बाय इशूइंग दिस नोटिस द असेसिंग ऑफिसर कैन रिक्वायर द एसएससी टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स, टू फर्निश वेरियस अदर इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वेदर इंक्लूडेड इन द अकाउंट्स और नॉट। वेदर इंक्लूडेड इन द अकाउंट्स और नॉट, और नॉट का मतलब वो चीजें जो आपकी अपनी पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अच्छा, द असेसिंग ऑफिसर शैल ऑब्टेन द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द चीफ कमिश्नर, सॉरी ज्वाइंट कमिश्नर, मैंने चीफ कमिश्नर बोला, ज्वाइंट कमिश्नर बिफोर रिक्वायरिंग द एसएससी टू फर्निश ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज नॉट इंक्लूडेड इन द अकाउंट्स। अगर कोई एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बुक्स ऑफ अकाउंट पे हमने नहीं दी है, इवन मेरी पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है अकाउंट्स में नहीं दिखाई दी, उन एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में भी अपनी इन्फॉर्मेशन फर्निश करने के लिए बोल सकता है, लेकिन बिना किसके परमिशन के नहीं कर सकता, ज्वाइंट कमिश्नर के परमिशन के नहीं कर सकता। यानी ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, उसको पहले क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। उसको किससे परमिशन लेना पड़ेगा? ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से। आगे बैठें। एक बात बताओ, यहां मैंने रिटर्न दाखिल की तो मुझे ये तो मिल नहीं सकता, क्या जरूरत है? रिटर्न तो मैं दाखिल कर चुका हूं। बोलो, यहां मैं रिटर्न दाखिल कर चुका हूं खुद से, तो मुझे दोबारा रिटर्न दाखिल करने के लिए नहीं बोला जाएगा। हाँ, मुझसे बोला जा सकता है आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाइए। मैंने ये नहीं किया तो मुझसे रिटर्न दाखिल करने के लिए बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता यहां पे, और साथ ही साथ बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए भी बोला जा सकता है। अब क्लियर है? बाई इशूइंग अ नोटिस, छोड़ दें इसको, यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। अभी तक मैंने सिंपली आपको दो सेक्शंस बताए, सेक्शन 140A कैपिटल ए एंड सेक्शन 142(1)(1), 142(1)(2), दैट्स इट। सेक्शन 140A में बताया आप बहुत ही ईमानदार आदमी हो, आप अपनी डिटेल्स इनकम की बनाओगे, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट पेनल्टी जोड़ोगे, जितना आपने पे कर दिया एलएस कर दोगे, बाकी पेमेंट करके आप अपनी रिटर्न दाखिल कर दोगे, दैट्स इट। ये सेक्शन था सेक्शन 140A सेल्फ असेसमेंट। लेकिन अगर हम बात करें सेक्शन 142(1) की, तो इसको दो पार्ट में बांटा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं
नोटिस अंडर सेक्शन 142(1). अब ये नोटिस दो तरह की होती हैं और ये दोनों नोटिस जरूरी होती हैं असेसमेंट करने के पहले की जांच पड़ताल के लिए, पूछताछ के लिए। आप खुद ही बता दो कुछ चीज़ें। पहला सेक्शन बताता है कि अगर आपने रिटर्न दाखिल नहीं की है और आपकी इनकम टैक्सेबल है या असेसेबल है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपकी इनकम असेसेबल है और आपने रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो वो आपके ऊपर क्या इशू कर सकता है? नोटिस अंडर सेक्शन 142(1)(1) और आपसे कह सकता है कि इस टाइम लिमिट के अंदर आप अपनी रिटर्न दाखिल कर दें। क्लियर? यहाँ पर नोटिस इशू करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 142(1)(2), चाहे आपने रिटर्न दाखिल की हो या न की हो, उससे कोई लेना देना नहीं। आपसे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, इवन आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशंस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के मांग सकता है। लेकिन वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की होगी, वो तभी मांग सकता है जब उसने ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से प्रायर अप्रूवल लिया हो। दैट्स इट की बात। अब हम बात करेंगे स्पेशल ऑडिट। ब्रैकेट में इसको लिख देना डायरेक्शंस, नॉट ऑर्डर्स, डायरेक्शंस। एक वर्ड यूज होगा डायरेक्शन, ऑर्डर नहीं। ये वो सेक्शन है जब फर्स्ट टाइम तुम लोग डायरेक्शन का नाम सुनोगे। डायरेक्शन और स्पेशल ऑडिट। मैं असेसिंग ऑफिसर हूँ, मेरे पास किसी बंदे का रिटर्न आया। अब रिटर्न देखने के बाद मेरा दिमाग घूम गया। आता माझी सटकली ना क्या है वो, ऐसे ही कुछ है। मेरा दिमाग घूम गया। अब अगर दिमाग घूम गया क्यों? क्योंकि हॉच पॉच इन्फॉर्मेशंस थी, समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या प्रेजेंट करना चाह रहा है। और बुक्स ऑफ अकाउंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं और इतनी इन्फॉर्मेशंस हैं कि उनको एक जगह गैदर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मल्टीप्लिसिटी है अकाउंट्स में, डिटेल्स में। कॉम्प्लेक्स नेचर का अकाउंट्स है और नॉर्मल नेचर का नहीं है। और इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जाहिर सी बात है सामने वाले ने असेसमेंट अपनी इन्फॉर्मेशन हमको दे दी है। जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तभी तो मैं असेसमेंट कर रहा हूँ। यानी ये सेक्शन तभी पॉसिबल है जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही हों। ये सेक्शन कब पॉसिबल है? जब असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स चल रही हों। असेसमेंट प्रोसीडिंग का मतलब जब डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा हो। क्लियर है? अब अगर डिपार्टमेंट को लगता है, असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ अकाउंट्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट्स, कॉम्प्लेक्सिटीज इन इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स और बुक्स ऑफ अकाउंट स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेचर, जब इस तरह की कोई उसको इन्फॉर्मेशन लगती है और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो वो असेसिंग ऑफिसर एसएससी को डायरेक्शन दे सकता है। क्या दे सकता है? डायरेक्शन दे सकता है, बेटा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट उठाओ, इन्फॉर्मेशन उठाओ। और ये एक पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नाम बताएगा, नॉमिनेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस सीए साहब के पास जाना, उसकी इतनी फीस है, जाना और उससे स्पेशल ऑडिट करवा कर ले आना। हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। सोचो डिपार्टमेंट आपके ऊपर, एक एसएससी के ऊपर ऑब्लिगेशन डाल रहा है, डायरेक्शंस दे रहा है, ऑर्डर नहीं पास कर रहा, डायरेक्शन दे रहा है, जाओ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवा कर लो। तुमने बोला सर मैंने तो पहले से ही ऑडिट करवा कर रखी है। कोई दिक्कत नहीं है, भले ही तुमने किसी सीए से ऑडिट करवाई हो या न करवाई हो, उससे कोई लेना देना नहीं। मैं कहता हूँ इस सीए के पास जाओ, नॉमिनेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओ और उससे ये रिपोर्ट लेकर आओ, स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 142(2)(a) में, स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 142(2)(a) में। तो वो एसएससी उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएगा, उसको सारी डिटेल्स, इंफॉर्मेशन और असिस्टेंस देगा,
ताकि वो रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तैयार कर सके और एसएससी वो रिपोर्ट ले आकर के फर्निश करेगा। अब कुछ प्रॉब्लम्स आई। पहली प्रॉब्लम, खर्चा कौन देगा सीए का? कौन देगा? समझ में मुझे ना आए और खर्चा एसएससी दे, ये बात तो अजीब है। समझ में मुझे ना आए और खर्चा एसएससी दे, खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। खर्चा कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? पहली प्रॉब्लम दूर हुई। दूसरी प्रॉब्लम, कितने दिन का समय मिलता है आपको ऑडिट कराने के लिए? 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन 50 दिन। मैंने लिख दिया 70 दिन के अंदर देना। क्या रिपोर्ट हमको 70 डेज के अंदर देना, 80 डेज के अंदर देना? एसएससी ले गया 80 दिन के अंदर, नहीं हो पाया। मैं उसका टाइम फिर बढ़ाऊंगा, 20 दिन और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एसेसिंग ऑफिसर को अगर लगता है टाइम को एक्सटेंड करना तो टाइम एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन इन टोटालिटी जो पार्ट 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 में टाइम दिया गया, सारा मिलाकर 180 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। नहीं समझे? 50 दिन 20 दिन 70 दिन 30 दिन 100 दिन 110 दिन सब मिला करके 180 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि सीए मजबूर है 180 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। दैट्स इट। चलो, अगर मुझे समझ में नहीं आया तो मैं एसएससी के ऊपर एक सबसे पहले नोटिस इशू करूंगा, क्योंकि उसके ऊपर एक बर्डन है ये, और एसएससी के ऊपर ऐसे बर्डन आप नहीं डाल सकते जब तक कि आप उससे पूछताछ न कर लें कि क्यों ना तुम्हारा ये काम ऐसे कर दिया जाए, क्यों ना तुम्हारे ऊपर ये टैक्स लगा दिया जाए, क्यों ना तुम्हारे ऊपर ये नोटिस इशू की जाए। पूछो पहले, उससे जवाब मांगो, जिसको हम कहते हैं शो कॉज नोटिस। तो यहाँ पर भी उससे कहा गया क्यों ना तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट की स्पेशल ऑडिट करवाई जाए, पहले आप नोटिस इशू करो ना। बात समझ में? एसएससी के पास नोटिस पहुंची, उसने लिखित में कहा कि भाई जो आपको लग रहा है ऐसा नहीं है, ये जवाब है मेरा। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, डिटेल्स इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं, बड़ी सिंपल तरीके का सिस्टम है मेरा। वो डिटेल बना करके देगा एसेसिंग ऑफिसर को, और एसेसिंग ऑफिसर को अगर लगता है ठीक है वहीं ख़त्म। लेकिन अगर एसेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड ना हो तो प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर एसएससी को लगता है कि ये मुझे हरासमेंट करने का कारण है और मैंने जो इसको इन्फॉर्मेशन सबमिट की थी एसेसिंग ऑफिसर को, दोज इन्फॉर्मेशंस वॉज मोर देन सफिशियंट, और उसके आगे कोई क्लैरिटी नहीं हो सकती, तो वो हाईकोर्ट में रिट पटिशन दाखिल कर सकता है। एसएससी क्या कर सकता है? रिट पटिशन दाखिल कर सकता है, और हाईकोर्ट चाहे तो उस पटिशन को एक्सेप्ट करके एसेसिंग ऑफिसर के उस नोटिस को क्वैश कर सकता है। क्लियर है? अब मैं इसकी बात बोलूं, सुनने के लिए तैयार हो, कहानी दिमाग में छप गई होगी, पक्की बात है? नहीं नहीं बोलूं? इफ एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, यानी काम हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, इफ एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स बिफोर द एसेसिंग ऑफिसर, मेरे पास काम चल रहा है, ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट हैविंग रिगार्ड टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं, उसका नेचर बहुत डिफरेंट है, वॉल्यूम ऑफ द अकाउंट्स, अकाउंट्स बहुत ज्यादा है, डाउट्स अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स, डाउट है कि अकाउंट्स सही है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट्स और स्पेशलाइज नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द एसएससी एंड हैविंग रिगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, इट इज नेसेसरी टू गेट द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी ऑडिटेड, देन ही मे डायरेक्ट द एसएससी, ऑर्डर एसएससी को नहीं कर सकता, देन ही मे डायरेक्ट द एसएससी, डायरेक्शन दे रहा है, direct the SSC to get the accounts audited, provided that the assessing officer shall not direct the SSC to get the accounts audited unless the SSC has been given a reasonable opportunity of being heard. जब तक उसको सुनने का पर्याप्त मौका न दो तब तक आप उस पर ऐसा डायरेक्शन नहीं लगा सकते। तो पहले उसको सुनने का मौका दो कि क्यों ना आपके ऊपर स्पेशल ऑडिट का ट्रीटमेंट किया जाए। अच्छा, तो ये तो पक्का हो गया, केस पेंडिंग चल रहा है,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तभी ये और डायरेक्शन जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। द डायरेक्शन कैन बी इश्यूड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ चीफ कमिश्नर और कमिश्नर। इसके पहले जो सेक्शन मैंने बताया था, पर्सनल इंफॉर्मेशन यहां पर ली जा सकती है ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की परमिशन से, और यहां पर स्पेशल ऑडिट का डायरेक्शन दिया जा सकता है चीफ कमिश्नर या कमिश्नर के प्रायर अप्रूवल से। क्लियर है? चीफ कमिश्नर और कमिश्नर के प्रायर अप्रूवल से, दोनों जगह फर्क समझना। यहां जेआईटी ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और यहां सीआईटी और चीफ सीआईटी सीसीआईटी। द अकाउंट शैल बी ऑडिटेड बाई अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉमिनेटेड बाई द चीफ कमिश्नर और कमिश्नर, एंड द ऑडिट फीस एंड एक्सपेंसिस रिलेटिंग टू ऑडिट शैल ऑल्सो बी फिक्स बाई द चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर। नॉमिनेशन कौन देगा? सीए का नाम कौन बताएगा? चीफ कमिश्नर या कमिश्नर। और एक्सपेंसिस एज सो डिटरमाइंड शैल बी पेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्सपेंसिस कौन बियर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। डायरेक्शन Under section 142(2)(a) can be given even the SSE has already get the audit report from a other chartered accountant. Clear? अगर मेरे पास, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिट रिपोर्ट है तो भी होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम लिया है वहां से जाकर के क्या करवा लो? स्पेशल ऑडिट करवा लो। बोलो, दैट्स इट। बाकी 180 दिन से अधिक का समय नहीं दिया जा सकता इन टोटालिटी। दो सेक्शंस हम लोगों ने अभी तक कवर किए हैं कि तीन सेक्शंस। पहला सेक्शन 140A सेल्फ असेसमेंट, उसके बाद सेक्शन 142(1)(1), 142(1)(2), और उसके बाद 142(2)(a) स्पेशल ऑडिट। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। अब हम जिस सेक्शन की बात करेंगे, दैट इज योर स्क्रूटनी असेसमेंट। कौन सा असेसमेंट? स्क्रूटनी असेसमेंट सेक्शन 143(3) की बात करेंगे। नोटिस एंड असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट। बहुत ही बढ़िया सेक्शन है। जो मैं एक लाइन पढ़ूंगा उसको ढंग से सुनना, उसको सुनने से ही काफी डाउट्स दूर हो जाते हैं, केवल फर्स्ट लाइन सुनने से। फिर उसके बाद दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग खुद नोट कर सकते हो, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ढंग से सुनना, ये स्क्रूटनी असेसमेंट। अब जांच पड़ताल का काम स्टार्ट हो गया। अब तक हम डिटेल मांग रहे थे, डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने के लिए बोल रहे थे, ऑडिट करवा करके लाने के लिए बोल रहे थे, बोलो ना। अब हम पहली बार आपका असेसमेंट करने जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है सबसे पहले तो हम ये मान लेंगे आपका असेसमेंट किस बेसिस पर हो रहा है, जहां पर आपने अपनी अपनी रिटर्न हमको दाखिल कर दी। आपने अपनी रिटर्न हमें दाखिल कर दी, अब हम आपका असेसमेंट करने जा रहे हैं, वो है स्क्रूटनी असेसमेंट। आपने अपनी रिटर्न दाखिल नहीं की या की और मुझे डाउट है, यानी कुछ चीज़ों का आपने फॉलो अप नहीं किया, तो मैं आपके ऊपर असेसमेंट करूंगा सेक्शन 144 में। कौन सा सेक्शन? 144, जिसको हम कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, और मैंने ये थोड़ी देर पहले बताया भी था, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जहां पर आपसे कहा गया रिटर्न दाखिल करो, आपने रिटर्न दाखिल नहीं किया। फिलहाल वो चार पाँच चीज़ें देखेंगे हम लोग। आपने कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं किया, और उन चीज़ों को फॉलो न करने के कारण हम आपके ऊपर क्या करेंगे? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। आपने रिटर्न दाखिल की है तो आपके ऊपर क्या चलेगा? स्क्रूटनी असेसमेंट। वेयर अ रिटर्न हैज बीन मेड, जहां पर एक रिटर्न दाखिल की जा चुकी है,
आपने खुद से सेक्शन 139 के हिसाब से आपने अपना सेल्फ असेसमेंट करके रिटर्न दाखिल कर दिया। पक्की बात, आपने अपना रिटर्न दाखिल कर दिया, यानी कि जहां पर एक रिटर्न दाखिल की जा चुकी है खुद से अंडर सेक्शन 139 में, या जबरदस्ती जब मांगा गया था, तो सुनो ना, जब मांगा गया था रिटर्न, तो यानी रिटर्न आ चुकी है मेरे पास, या तो प्यार से या तो जबरदस्ती, यही तो होगा। वेयर अ रिटर्न हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 139 और अंडर सेक्शन 142(1), द असेसिंग ऑफिसर शैल, यानी ये असेसमेंट तभी हो सकता है, मैं नीचे वाला हटा दे रहा हूँ, हमेशा नहीं तो दिखाई देगा, ये असेसमेंट तभी हो सकता है, स्क्रूटनी असेसमेंट, जब आपने प्यार से, खुद से या जबरदस्ती रिटर्न दाखिल की है, यानी नो रिटर्न नो स्क्रूटनी असेसमेंट। बात समझना, कोई रिटर्न दाखिल नहीं की तो असेसमेंट भी नहीं हो सकता, यानी ये असेसमेंट तभी पॉसिबल है जब आपने अपनी रिटर्न दाखिल की। इफ ही कंसीडर्स इट नेसेसरी और एक्सपेडिएंट टू इंश्योर दैट द एसेसी हैज नॉट, और ये नोटिस, एक बात बता लो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खाली थोड़ी बैठा हुआ है कि जिसकी नोटिस आए चल नोटिस इशू, जिसकी रिटर्न आए चल भाई नोटिस इशू कर, जिसकी रिटर्न आए चल भाई नोटिस इशू कर, खाली बैठा है, उसके पास इतना टाइम है क्या कि नोटिस पे नोटिस इशू करेगा? सारे एसएससी नहीं पकड़े जाएंगे, टोटल में से सीबीडीटी की गाइडलाइन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो अथॉरिटी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उसकी एक गाइडलाइन है, उसने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि 3-5% एसएससीज को ही पकड़ो, यानी जितने लोगों ने रिटर्न दाखिल की है उनमें से 3 या 5 फाइलें निकाल लो, हर 100 पर 3 या 5 फाइलों को निकालो और उनके ऊपर नोटिस दाखिल कर दो। अब क्लियर हुआ, अब क्लियर है सारे लोगों, भाई बच गए नोट, रिटर्न दाखिल की बेईमानी के साथ, दिखाना था 5 लाख रुपए की इनकम, दिखा दी 1 लाख रुपए की इनकम, अगर वो 3-5% फाइल में नहीं आई तो बल्ले बल्ले, चोरी करने से पकड़े गए नहीं पकड़े गए, बच गए। अब क्लियर है, बोलो, कह रहा था चोर है बच गए, चोरी भी की और बच भी गए, बिल्कुल सही है, गलत क्या? लेकिन बेटा अगर पकड़ लिए गए ना तो पेनाल्टी भी है, प्रोसिक्यूशंस भी हैं, टैक्स तो देना ही पड़ेगा, पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी और हवा की हवालात में भी जाना पड़ेगा हवा की लात नहीं, हवालात जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, सेक्शन 143(3) में असेसमेंट कब हो सकता है? जब हमने रिटर्न दाखिल की हो और असेसिंग ऑफिसर को लगता हो, यानी मुझे लगता है कि जो रिटर्न आपने दाखिल की है उसमें आपने अपनी इनकम कम दिखाई है, आपने अपना लॉस ज़्यादा दिखाया है, आपने डिडक्शंस गलत क्लेम किए हैं, आपने डिडक्शन ज़्यादा मांग लिया है, आपको जो डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए आपने वो भी मांग लिया है, अगर इस तरह का कोई डाउट है असेसिंग ऑफिसर के ऊपर, तो तुरंत आपके ऊपर वो नोटिस इशू कर देगा अंडर सेक्शन 143(2) में। क्लियर है? चल, द असेसिंग ऑफिसर शैल इफ ही कंसीडर इट नेसेसरी और एक्सपेडिएंट टू इंश्योर दैट द एसएससी हैज नॉट अंडर स्टेटेड द इनकम, इनकम को कम नहीं दिखाया गया, और हैज नॉट कॉम्प्यूटेड एक्सेसिव लॉस, लॉस को ज्यादा ना दिखाया गया हो, और हैज नॉट अंडर पेड द टैक्स, टैक्स कम ना दिया गया हो किसी भी तरीके से, इन एनी मैनर, सर्व ऑन द एसएससी अ नोटिस रिक्वायरिंग हिम ऑन अ डेट टू बी स्पेसिफाइड देयर इन, ईदर टू अटेंड हिज ऑफिस और प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस देयर एनी एविडेंस ऑन विच द एसएससी मे रिलाय टू सपोर्ट ऑफ द रिटर्न। अगर एसेसिंग ऑफिसर को लगता है कि एक्सेस लॉस है, गलत है, ज़्यादा लॉस क्यों दिखाए हो, कम इनकम है या टैक्स की कहीं ना कहीं कम अमाउंट पे किया गया है, यानी चोरी हुई है टैक्स की, तो वो एसेसिंग ऑफिसर एसएससी के ऊपर एक नोटिस इशू करेगा, सर्व करेगा कि आप हमें कारण बताओ क्यों ना आपके ऊपर स्क्रूटनी असेसमेंट कर दिया जाए। सबसे पहले बेटा आओ ऑफिस में, मेरी ऑफिस अटेंड करो और हमें जवाब दो, मुझे मेरे सवालों का जवाब दो,
बोलेगा, या वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो जो मैं मांग रहा हूं ताकि हम प्रूफ ले सकें। प्रोवाइडेड दैट नो नोटिस अंडर दिस सेक्शन शैल बी सर्व्ड ऑन द एसएससी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। हमारे ऊपर पहला सेक्शन, पहली लाइन ही ये बात बोली गई थी कि जहां पर रिटर्न दाखिल की गई होगी वहीं पर ये नोटिस जा सकती है। इसका मतलब रिटर्न दाखिल करने के बाद ही नोटिस जाएगी, नो रिटर्न नो नोटिस। तो रिटर्न दाखिल हुई उसके बाद नोटिस जाएगी। तो कहा गया जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न दाखिल की है वो पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाने दो। जो फाइनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न दाखिल की है वो पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाने दो, उसके बाद 6 महीने के अंदर ही आपको रिटर्न के लिए अगेंस्ट क्या वो इश्यू कर सकते हैं नोटिस। मान लेते हैं आपने रिटर्न दाखिल की 10 अक्टूबर 2014 को, तो ये ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2015 को ईयर एंड होगा, ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। 14-15 का वो एंड होगा 31 मार्च, और इसमें 6 महीना आप जोड़ लें, इसके अंदर ही आपको नोटिस इशू कर सकते हैं। 30 सितंबर 2015 के अंदर ही नोटिस आ सकती है, उसके बाद ये नोटिस नहीं कर सकता एसेसिंग ऑफिसर। चलो मान लेते हैं 1 जनवरी 2015 को आपने रिटर्न दाखिल की, सुनो इधर, तो साल कब खत्म हो रहा है? 6 महीना और जोड़ लो। ये नोटिस कब तक दे सकता है एसेसिंग ऑफिसर? हाँ भाई, आपने रिटर्न दाखिल की कब? ये रिटर्न दाखिल हुई तो साल कब खत्म होगा? और साल खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर यानी अब क्लियर है, रेलिवेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर जिसमें रिटर्न दाखिल की गई है उस ईयर के खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर तक आपके पास नोटिस आ सकती है, दैट्स इट। और अगर आपने रिटर्न दाखिल की है तो साल खत्म होगा और उसमें 6 महीना और जोड़ दो, 1.5 साल मिल गया। एक जगह 6 महीना मिल रहा है, एक जगह 1.5 साल मिल रहा है, बात समझना, क्लियर हुई? जिस फाइनेंशियल ईयर में आप रिटर्न दाखिल करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर ये नोटिस आपके पास आ जाती है। बोलो कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई। अब मैं लास्ट की कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ सेक्शन 143(3) की। असेसमेंट कैसे होगा? आपसे कहा गया डॉक्यूमेंट ले आओ, आपसे कहा गया बुक्स ले आओ, आपसे कहा गया ऑफिस अटेंड करो। आपने ऑफिस अटेंड की, बुक्स ले गए, आपने डिटेल सबमिट की। अब मैं सारी चीज़ों को देखूंगा, मैं असेसिंग ऑफिसर, मैं सारी चीज़ों को जाँच पड़ताल करूँगा, और जाँच पड़ताल करने के बाद एसएससी को सुनने के बाद मैं अपना असेसमेंट फाइनल करूँगा, बिकॉज आई एम द असेसिंग ऑफिसर, मैं अपना असेसमेंट फाइनल करूँगा। करूंगा या नहीं करूंगा? जब असेसमेंट फाइनल करूंगा तो हो सकता है कि जो एसएससी ने रिटर्न दाखिल की थी और अपना प्रॉफिट दिखाया था 1 लाख, मैं उसको बढ़ा भी सकता हूं, मैं उसको घटा भी सकता हूं। अजीब लग रहा है, क्योंकि शुरुआत ही इससे हुई थी कि जहाँ पर एसएससी ने कोई रिटर्न दाखिल की है और एसेसिंग ऑफिसर को लगता है कि एसएससी ने कोई इनकम नहीं दिखाई है, एसएससी ने कोई इनकम कम दिखाई है, एसएससी ने लॉस अधिक दिखाया है या एसएससी ने कम टैक्स पे किया है, तो ही ये नोटिस इशू हो सकती है। अब बताओ फाइनल हो जाने के बाद जब सारी मैं डिटेल्स ले लूँ उसके बाद मैं तुम्हारी इनकम बढ़ाऊँ या घटाऊँ? बोलते क्यों नहीं? एसेसिंग ऑफिसर बढ़ा भी सकता है और
घटा भी सकता है, एसेसिंग ऑफिसर बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, याद रखना। भले ही पर्पस कुछ और रहा हो, लेकिन जब सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद एसेसिंग ऑफिसर को लगता है कि इनकम घटानी चाहिए, घटा सकता है, बढ़ानी चाहिए, बढ़ा सकता है। ढंग से सुनना। ऑन द डे स्पेसिफाइड इन द नोटिस इशूड अंडर सबसेक्शन 2 और एज द आफ्टर वर्ड एज मे बी हियरिंग सच एविडेंसेज एज द एसेसी मे प्रोड्यूस एंड सच एविडेंसेज एज द एसेसिंग ऑफिसर मे रिक्वायर ऑन स्पेसिफाइड पॉइंट एंड आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट ऑल द इन्फॉर्मेशन। बस वही सी बात है, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करो और सामने वाले की बात सुनो, उसके बाद अपना जजमेंट दो। एसेसिंग ऑफिसर अब जजमेंट दे रहा है। एंड आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट ऑल द रेलिवेंट मटेरियल विच ही हैज़ गैदर्ड द एसेसिंग ऑफिसर शैल बाई एन ऑर्डर। और जब भी ऑर्डर दिया जाता है, ये चीज़ याद रखना, ऑर्डर हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एसेसिंग ऑफिसर बोल दे जाओ जाओ हो गया तुम्हारा ऑर्डर हो गया जाओ 10,000 रुपये और जमा कर देना जाओ। अरे नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, डिपार्टमेंटल काम हो रहा है, सरकारी काम हो रहा है, लिखित में होना चाहिए ना। तो एसेसिंग ऑफिसर जो भी ऑर्डर पास करेगा वो रिटन में होगा। शैल बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग मेक एन असेसमेंट ऑफ द टोटल इनकम और लॉस ऑफ द एसेसी एंड डिटरमाइन द सम पेबल बाय हिम और रिफंड ऑफ एनी अमाउंट ड्यू टू हिम ऑन द बेसिस ऑफ सच असेसमेंट। कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है, ये चीज याद रखना। हाँ या ना बोलो। नो रिटर्न नो असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) हो गया या नहीं बोलो। That's it. अब तक हम लोगों ने जितने सेक्शंस देखे, सेक्शन 140A सेल्फ असेसमेंट, सेक्शन 142(1)(1) जबरदस्ती की रिटर्न दाखिल करवाओ, सेक्शन 142(1)(2) बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करवाओ, चाहे रिटर्न दाखिल किए हो चाहे न दाखिल किए हो, सेक्शन 142(2)(a) स्पेशल ऑडिट के लिए ऑर्डर ना दो, डायरेक्शंस दो, और 180 दिन से ज़्यादा का समय नहीं देंगे। आपने ऑडिट करवाई हो ना करवाई हो, आप इस नॉमिनेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या करवा कर लाइए, स्पेशल ऑडिट करवा कर लाइए। क्लियर है? सेक्शन 143(2) में नोटिस इशू करो। अगर एसेसिंग ऑफिसर को लगता है कि रिटर्न जो दाखिल की गई है, उसमें टैक्स कम दिखाया गया है या इनकम कम दिखाई गई है या लॉस अधिक दिखाया गया है, तो नोटिस इशू किया जा सकता है, और उसके बाद ऑर्डर दिया जा सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद इनकम को बढ़ाया जा सकता है और इनकम को घटाया भी जा सकता है, लॉस को कम भी किया जा सकता है और लॉस को बढ़ाया भी जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत। सर्विंग ऑफ नोटिस सेक्शन 144। नोटिस इश्यू करना और नोटिस सर्व करना दोनों में फर्क होता है। किताब में कहीं कहीं पढ़ोगे इश्यू ऑफ नोटिस, कहीं कहीं पढ़ोगे सर्विंग ऑफ नोटिस। इश्यू ऑफ नोटिस, मैंने इशू की नोटिस 10 जुलाई 2014 को, मान लो मैं एसेसिंग ऑफिसर हूं, मैंने नोटिस इशू की, तो इशू ऑफ नोटिस। और सर्विंग का मतलब तुम्हें मिला 18 जुलाई को तुम्हारे घर पे, इसको हम कहेंगे सर्विंग ऑफ नोटिस। अब दोनों में फर्क समझ में आई? बोलो। जब कहे 180 दिन सर्विंग ऑफ नोटिस, हो सकता है कहे 180 दिन इशू ऑफ नोटिस, तो देख लेना वहां से 180 दिन, वहां से 180 दिन, दोनों में फर्क समझना हमेशा। क्लियर? सेक्शन 143 के बाद आते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, सेक्शन 144। इसी सेक्शन में हमें नोटिस भी मिलता है और इसी सेक्शन में हमारा असेसमेंट भी होता है। नोटिस के लिए कोई अलग से सेक्शन नहीं बनाया गया है। सुनो ना, अगर मैंने ये चार गलतियां की, कितनी सुनो, अगर मैंने ये चार गलतियां की तो मेरे ऊपर सेक्शन 144 लग जाएगा।
पहली गलती। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 144, अगर मैं ये गलतियां कर दूं तो मेरे ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा और असेसिंग ऑफिसर को एक पावर मिल जाएगा कि वो बिना मुझसे पूछे, इसको हम कहते हैं एक्स पार्टी असेसमेंट, एक पक्षी कर निर्धारण, वो खुद ही कर लेगा। अगर तुमने गलती की, अब मेरे पास राइट आ गया कि मैं आपका असेसमेंट कर सकूं। आपको रिटर्न दाखिल करनी चाहिए थी, आपने रिटर्न दाखिल नहीं की। मैंने नोटिस दिया था आपको रिटर्न दाखिल करो, बेटा बहुत था आपको, आपको रिटर्न दाखिल कर देनी चाहिए थी। आपने रिटर्न दाखिल नहीं की, सबसे पहली बात गलती हुई, हुई या नहीं हुई? हम अब क्या करेंगे? बेस्ट जजमेंट कर देंगे। और अगर मैंने यहां पर आपको कोई नोटिस इशू किया था कि रिटर्न दाखिल करो, तो मुझे अब नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको पहले भी एक नोटिस इशू कर चुका हूं सेक्शन 142(1)(1) में, तो अब दोबारा नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है, वही नोटिस मेरा काम चला लेगा। अगर मैंने आपसे कहा था स्पेशल ऑडिट करवा दो, आपने स्पेशल ऑडिट क्यों नहीं करवाई? आप डायरेक्शंस के अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं? अपील कर देते ना हाई कोर्ट में अगर आपको दिक्कत थी तो, आप मेरे नोटिस को क्वेश्चन करवा देते, ना तो आप हाई कोर्ट में गए और ना आपने स्पेशल ऑडिट करवाई। गलती की या नहीं की? गलती की या नहीं की? तीसरी गलती, मैंने आपको एक मौका दिया था, यहां पर नोटिस दिया था कि डॉक्यूमेंट्स ले आओ, आपका केस चल रहा है, आप डॉक्यूमेंट्स ले आओ। आपने रिटर्न दाखिल की है पहले से, मुझे डाउट था, तभी तो मैंने आपसे बोला था कि ये डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स ले आओ ताकि मैं असेसमेंट फाइनल कर सकूं। आप डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स फेल कर गए लाने में, ना आपने यहां रिटर्न दाखिल की तो मैं ये कर दूंगा, ना आप स्पेशल ऑडिट करवा पाए मैं ये कर दूंगा। आपको मौका दिया गया था 143(2) में, हमें कुछ डाउट्स थे, आपने वो डाउट्स दूर नहीं किए, मैं ये कर दूंगा। अब क्लियर है? पक्की बात है ना? इफ एनी पर्सन, सुनना ढंग से, अगर कोई बंदा रिटर्न दाखिल ही नहीं किया, रिटर्न दाखिल ही नहीं किया था सेक्शन 139 में, अगर सेक्शन 139 में आपने रिटर्न दाखिल नहीं किया था, तो हम आपको नोटिस देंगे कि क्यों ना आपके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया जाए। क्लियर? पक्की बात है? दूसरा, आपसे रिटर्न इस सेक्शन में मांगा गया था, आपने रिटर्न दाखिल नहीं किया, क्यों ना आपके ऊपर अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया जाए। आपसे कहा गया था, डायरेक्शन दिया गया था कि आप स्पेशल ऑडिट करवा कर लाओ, नहीं करवा पाए, क्यों ना आपके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया जाए। आपसे कहा गया था डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो, डिटेल्स ले आओ, अकाउंट्स ले आओ, क्यों ना अब आपके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया जाए। और इसके लिए आपके ऊपर एक नोटिस इशू की जाती है, शो कॉज नोटिस। क्लियर है? इफ एनी पर्सन फेल्स टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139, फेल्स टू कंप्लाई वन सेक्शन 142(1)(1) और सेक्शन 142(1)(2), फेल्स टू कंप्लाई सेक्शन 142(2)(a), फेल्स टू कंप्लाई सेक्शन 143(2). कोई भी गलती बेटा करोगे अब ऊपर, तो उसके लिए इलाज है। सारे दुखों का की एक दवा है, क्यों ना आजमाएं। कौन सा सेक्शन? 142 कह रहा है, नूरानी थे। चलो, पॉइंट्स टू बी नोटेड। कोई एक, आप कोई गलती करोगे आपके ऊपर बेस्ट जजमेंट हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये याद रखना, जो इंपॉर्टेंट चीज, देखो दिमाग से उतर गई थी, एक चीज याद रखना, हवा हवाई काम नहीं चलेगा। आपने अगर कोई चीज फुलफिल नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि अब मुझे पूरा अधिकार मिल गया है असेसिंग ऑफिसर को, तुम्हारी 2 लाख इनकम, लिख दो 50 लाख इनकम, लाओ टैक्स लाओ, मैंने बेस्ट जजमेंट कर दिया, मुझे लगता है कि बेस्ट जजमेंट यही है। बेटा ऐसे बेस्ट जजमेंट नहीं होता। बेस्ट जजमेंट मैटेरियल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास हैं, उनके हिसाब से मैं असेसमेंट करूंगा।
अपने मन से जल्दी कुछ नहीं करने वाला, जो इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर सकता हूँ वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही असेसमेंट करूँगा, कोई भी इमेजिनरी असेसमेंट नहीं होगा। बात समझ में आई? क्लियर है? पक्की बात है? अगर इतने सेक्शंस तैयार हैं, कहीं कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज आज की क्लास क्या है? ओके, कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलो, मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा एक दिन में डोज हो जाएगा। अगर इसके ऊपर सेक्शन 147 पे पहुंच गए, 148 पे पहुंच गए, वन सेक्शन 150 पढ़ा दिया तो दिमाग अब घूमने लगेगा। हमने कहा कि मैंने रिटर्न दाखिल ही नहीं की, मैंने रिटर्न दाखिल ही नहीं की तो मेरे ऊपर नोटिस आ जाएगा, पहले नोटिस फिर असेसमेंट। लेकिन यहां पर नोटिस आया हुआ था, मैंने उसको फॉलो नहीं किया तो सीधे असेसमेंट। हाँ, ऊपर के चारों में किसी में भी फेल्योर हो जाएगा तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। ठीक, कोई डाउट हो तो बोलो। पक्का? यहां सेक्शन 139 में फेल हुआ तो नोटिस दो, असेसमेंट करो। इधर फेल हुआ तो नोटिस देने की दोबारा जरूरत नहीं है। इसकी बात बताओ, यहां पर मैंने उसको नोटिस दी थी कौन से असेसमेंट करने के लिए? सेक्शन 143(3) में असेसमेंट करने के लिए। तो ये चीज दिमाग में रखना, सुनो इधर नई चीज, कि 143(2) में मैंने उसको नोटिस दी थी 143(3) में असेसमेंट करने के लिए, 143(2) में नोटिस दे करके मैं 144 में असेसमेंट नहीं कर सकता। 143(2) से जो असेसमेंट होगा वो केवल 143(3) का ही होगा। तो 143(2) में भी अगर हमको जवाब नहीं मिलेगा तो पहले मैं उसको सेक्शन 144 में नोटिस इशू करूंगा ताकि मैं 144 में असेसमेंट कर सकूं। अगर रिटर्न दाखिल नहीं किए हो तो नोटिस दिया, असेसमेंट किया। यहां पर तो नोटिस मैंने दिया था इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, हाँ असेसमेंट के पहले की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन वहां पर कंप्लाई नहीं किया, वो नॉर्मल नोटिस थी, जनरल नोटिस थी, तो वहां पर दोबारा नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। पक्की बात है? लेकिन ये नोटिस स्पेसिफिक नोटिस थी जो केवल सेक्शन 143(3) के लिए थी, 144 के लिए नहीं थी। तो अगर 143(2) में कोई फेल कर गया है नोटिस को फुलफिल करने में तो यहां पर नोटिस फिर से इशू करनी पड़ेगी और फिर असेसमेंट होगा। क्लियर हुआ? पक्की बात? कोई दुख दिक्कत हो तो बोलो। ओके करें? थैंक यू बच्चों।